अम्मा बादु फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन अलम तर इलल मलअ मिन बनी इसराइल मिन बादी मूसा इद क़ालू लिनबीयिन लहुम उबअथ लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल हल असैतुम इन कुतिब अलैकुमुल क़िताल अल्ला तुक़ातिलू मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़िरीन, हक़ ताला का बे इंतहा फ़ज़्लो करम है कि उसने हमें सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व असहाबिहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और हमें आपका उम्मती होने का फ़ख्र अता फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला अपने हबीब लबीब सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व असहाबिहि वसल्लम से मुखातिब है और सरकार से पूछ रहा है, अलम तरा इला इलल मलई मिन बनी इसराइल, ऐ मुस्तफ़ा क्या तुमने बनी इसराइल की कौम से ताल्लुक़ रखने वाले कौम बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले एक गुरोह को, एक जमात को नहीं देखा? हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व असहाबिहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले का यह वाकया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो कौम बनी इसराइल थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के विसाल ज़ाहिरी के बाद बनी इसराइल के कौम, बनी इसराइल की कौम के बाज़ लोगों का इस आयत में ज़िक्र है। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मुस्तफ़ा क्या तुमने बनी इसराइल के उस गुरोह को नहीं देखा, उस जमात को नहीं देखा जो मूसा के बाद इस दुनिया में थी? इद क़ालू लिनबीयिन लहुम उबअथ लना मलिका, उन्होंने अपने नबी से, अपने पैगंबर से कहा कि हमारा एक बादशाह बना दीजिए, हम पर किसी को बादशाह मुकर्रर फरमा दीजिए। हमारा कोई बादशाह नहीं है, कोई लीडर नहीं है। नुकातिल फी सबीलिल्लाह, वो बादशाह होगा और हम उसकी सरकर्दगी में, उसकी लीडरशिप में, उसकी बादशाहत में अल्लाह के रास्ते में खिताल करेंगे अल्लाह के दुश्मनों से, अल्लाह के नाफरमानों से जंग करेंगे, कुफार से जंग करेंगे, काफिरों से जंग करेंगे। खाल हल असई तुम इन कुतिब अलैकुमुल खितालु अल्ला तुखातिलु, उस नबी ने कहा उस कौम की तरफ जो मबूस हुए थे, उन पैगंबर ने कहा उस कौम से, बनी इसराइल की उस जमात से, के हल असई तुम इन कुतिब अलैकुमुल खितालु अल्ला तुखातिलु, के तुम्हारे अंदाज ऐसे हैं कि अगर तुम पर जंग फर्ज कर दी जाए अल्लाह की तरफ से, तो तुम अल्लाह के फर्ज करने के बाद जंग ना करो।
क्या ऐसे हैं तुम्हारे अंदाज? खालू वमालना अल्लाह नुखातिला फी सबीलिल्लाह। तो उस बनी इसराइल की जमात ने कहा, हमें क्या हुआ अल्लाह नुखातिला फी सबीलिल्लाह के हम अल्लाह की राह में जंग करें। वखद उखरीजना मिन दियारिना, हालांकि हम निकाले गए हैं अपने घरों से, अपने वतन से, वह अबनाईना और अपनी औलाद से, यानी हमारी मुखालिफ ताकतों ने, हमारे मुखालिफीन ने, हमारे दुश्मनों ने हमें हमारे घरों से निकाल दिया है, तो हम क्यों ना जंग करें अल्लाह के दुश्मनों से, हम ज़रूर जंग करेंगे, हमारा कोई बादशाह हो, हमारा कोई लीडर हो, रहनुमा हो। फलम्मा कुतिब अलैकुम अलैहिमुल खिताल, जब उन पर जंग फर्ज कर दी गई, तवल्लौ, वो उन्होंने मुंह फेर दिया, जंग का इरादा छोड़ दिया उन्होंने। इल्ला खलीलम मिनहुम, मगर उनमें से थोड़े ऐसे बच रहे जिन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अमल करने का पक्का इरादा कर लिया था। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिमों को खूब जानता है। وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم تالوت ملكا, उस कौम की तरफ जो नबी मबूस हुए थे, बनी इसराइल की उस जमात की तरफ जो नबी मबूस हुए थे, उन नबी ने, उन पैगंबर ने अपनी कौम से कहा, इन्नल्लाह कद बासा लकुम तालूत मलिका, यकीनन अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकर्रर किया है, तालूत को बादशाह बनाया है, तुम्हारा बादशाह तालूत होगा। तौ अलिफ लाम वाउ ता, तोय अलिफ लाम वाउ ते, तालूत, अल्लाह ने तुम्हारा बादशाह तालूत को बना दिया है, अब तुम्हें उसकी लीडरशिप में कुफार से जंग करनी है। जब यह सुना उन्होंने अपने पैगंबर से तो कहा, कालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्क अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्क मिन्हु, वो तालूत, वो मामूली सा आदमी, कोई मालदार आदमी नहीं है, वो आम सा आदमी, अन्ना यकूनु लहुल मुल्क अलैना, वो हम पर कैसे बादशाह बनेगा, वो हमारा बादशाह कैसे बनेगा, वो बादशाह और हम उसके लिए आया, ये कैसे हो सकता है, वो राजा हम पर जा, ये कैसे हो सकता है, वो हमसे मामूली आदमी है, हम उससे आला हैं। अन्ना यकूनु लहुल मुल्क अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्क मिन्हु, हम सल्तनत के ज्यादा हकदार हैं उस तालूत की बनिस्बत हम ज्यादा हैं हकदार सल्तनत के, हुकूमत के, हम उस पर हुकूमत करें। ये हो सकता है, लेकिन वो हम पर हुकूमत करे, ये कैसे हो सकता है। वलम यूत सअतम मिनल माल, उसके पास कुछ ज्यादा पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, धन नहीं है, उसे माल की उसात नहीं मिली है, ज्यादा माल नहीं मिला है। कौला खाला इन्नल्लाह हस्तफाहु अलैकुम, पैगंबर ने कहा कि यह सही है कि उसके पास माल कम है तुम्हारी बनिस्बत, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने तुम पर उसे चुना है, उसे हुक्मरान बनाना चाहता है अल्लाह तबारक व ताला, अल्लाह ने उसे हुक्मरानी दे दी है, बादशाही दे दी है, तुम्हें महकूम बनाया है, उसे हाकिम बनाया है अल्लाह तबारक व ताला ने, अल्लाह ने चुन लिया, मुंतखब कर लिया, यह अल्लाह का सिलेक्शन है, अल्लाह के पास इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन है।
قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ, اللہ نے استفا ماضی کا صیغہ ہے پاسٹ ٹینس, اللہ نے چن لیا تالوت کو تم پر, بادشاہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارا تالوت کو. وَزَادَهُ بَسْتَةً فِي الْعِلْمِ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم دیا ہے. والجسم, اور اللہ نے اسے جسمانی قوت بھی دی ہے. وہ خد کاٹ کا جسم کے لحاظ سے بھی طاقتور ہے, تنومند ہے. تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ مال کوئی چیز نہیں علم کے سامنے. تو جس کا علم زیادہ ہے وہ کم علموں پر حکومت کرے, یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور, یہ ہے اللہ کی پسند. مالداروں پر اللہ نے ایک کم مال رکھنے والے کو بادشاہ بنایا, کیوں؟ کہ اس کے پاس علم زیادہ تھا, مال تو کم تھا علم زیادہ تھا. تو جن کے پاس علم کم ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعایا بنایا, اور جس کے پاس علم زیادہ ہے اللہ نے اسے بادشاہ بنایا. کم علم لوگوں کو اللہ نے پرجا بنایا اور اس پر حکومت عطا فرمائی, ان پر حکومت عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جسے علم کی زیادتی ملی تھی, علم زیادہ ملا تھا. وَزَادَهُ بَسْتَةً فِي الْعِلْمِ, تو علم جسے زیادہ ہے وہی بادشاہت کے قابل ہے, وہی حکومت کے قابل ہے. جسے علم دین حاصل نہیں وہ حکومت کرے گا تو اس کی حکومت ظلم پر مبنی ہوگی. جو جاہل ہوگا وہ حکمرانی کرے گا تو وہ ظلم کرے گا رعایا پر. شریعت کے مسائل جسے نہیں معلوم ہے وہ حکومت کرے گا تو رعایا پر ظلم کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پامال کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو پامال کرے گا, شریعت کی خلاف ورزی کرے گا, خود بھی خدا کا نافرمان بنے گا, رعایا کو بھی خدا کی نافرمانی پر اکسائے گا, ابھارے گا, مجبور کرے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے صحابہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول کون بنے جو علم میں سب سے زیادہ, عمل میں سب سے زیادہ, افضل البشر عباد الانبیاء بالتحقیق کہلانے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمام مسلمانوں کا خلیفہ بنایا, خلیفۃ رسول اللہ بنایا, امیر المومنین بنایا, خلیفہ اول بنایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر ان کے بعد علم میں جو افضل تھے تمام صحابہ سے, علم میں جو اعلیٰ تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خلافت عطا فرمائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا ارشاد, سورج کی طرح رہتی دنیا تک چمکتا رہے گا. حضور نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا علم ظاہر ملا ہوگا, کتنا علم دین ملا ہوگا کہ حضور فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر میرے بعد نبی ہوتے. تو حکومت مسلمانوں پر, حکومت اہل ایمان پر کرنے کا زیادہ حقدار وہ ہے جو علم میں اہل ایمان میں سب سے بڑا ہوا ہے. اپنی رعایا میں, علم میں جو سب سے بڑھ کر ہے وہی رعایا کا حکمران بنے گا. لیڈری, سرداری کے لیے علم دین کا ہونا ضروری ہے. جاہل کو آپ نے لیڈر بنا دیا, جاہل کو آپ نے سردار بنا دیا قبیلے کا, جاہل کو آپ نے لوگوں کے معاملات کو تصفیہ کرنے والا بنا دیا, لوگوں کے جھگڑے فیصل کرنے والا جاہل کو بنا دیا آپ نے, تو وہ کیا فیصلہ کرے گا؟
इल्म शरा जिसे हासिल नहीं है, शरीयत का इल्म जिसे हासिल नहीं है, इसे नमाज के मसाइल नहीं आते, इसे वजू के मसाइल नहीं आते, गुस्ल के मसाइल नहीं आते, अकायद इस्लामिया से जो नावाकिफ है, कुरान उसने सही पढ़ा नहीं, कुरान का नाजिरा वो सही नहीं जानता, सही तौर पर कुरान देख कर नहीं पढ़ सकता, अरबी की शुद्ध नहीं रखता, अरबी जबान से नावाकिफ है, कुरान का तर्जमा नहीं कर सकता, कुरान की तफसीर से नावाकिफ है, हदीस से नावाकिफ है, फिखा फिखे हनफी से या फिखे शाफी से, फिखा से नावाकिफ है। तो ऐसा शख्स अगरचे के दुनियादारी के अंदर बहुत मशहूर है कि बहुत काबिल आदमी है, बहुत काबिल आदमी है, लेकिन इल्म दीन में 0/0 है, तो ऐसे शख्स को हुक्मरानी नहीं देनी चाहिए। देने वाले अल्लाह की बारगाह में जवाब दे होंगे। तो अल्लाह ताला के कलाम ने बताया हमें कि पैगंबर से रियाया ने कहा कि तालूत को आप हमारा बादशाह बनाते हैं, तालूत हमारा बादशाह बनेगा, उसे तो उसके पास माल नहीं है, वलम युत सअतम मिनल माल। तो अल्लाह के हबीब, अल्लाह के पैगंबर कहते हैं قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم, इल्म में उसे ज्यादती दी है अल्लाह तबारक व तआला ने। इल्म बड़ी चीज है। وزاده بسطه في العلم والجسم, और जिस्म में भी उसे अल्लाह तबारक व तआला ने ज्यादा कुव्वतों वाला बनाया है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा, अल्लाह तबारक व तआला अपनी सल्तनत, अपनी हुकूमत जिसे चाहता है उसे अता फरमाता है। हकीकत में हुक्मरान अल्लाह है, हकीकी बादशाह वो है, अब वो जिसे चाहता है मजाजी बादशाह बना देता है। वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह तबारक व तआला वसीअ इल्म रखने वाला है, उसअत वाला, इल्म वाला है। वकाल लहुम नबीयुहुम इन आयत मुल्किही अन यातियकुम अत्ताबूत फीही सकीना, उस कौम के, उस जमात के पैगंबर ने उस जमात से कहा इन आयत मुल्किही अन यातियकुम अत्ताबूत, तालूत अल्लाह की तरफ से मुंतखब शुदा, अल्लाह की तरफ से सेलेक्टेड बादशाह है। इस बात का प्रूफ, इस बात की दलील यह है कि तालूत के पास ताबूत आएगा, तालूत के पास ताबूत आएगा। ताबूत किसे कहते हैं? संदूक को। ताबूत किसे कहते हैं? संदूक। पैगंबर ने कहा कि तालूत की बादशाहत सही है, अल्लाह की तरफ से है, इसकी दलील के तौर पर तालूत के पास अल्लाह तबारक व तआला संदूक भेजेगा। मद्रास में संदूक, 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 न संदूक बोलना आता है इनको, न संदूक बोलना आता है, न बंदूक बोलना आता है। बंदूक को बंदूक कहते हैं मद्रास के लोग और बेंगलोर के लोग, और संदूक को संदूक, संदूक कहते हैं। संदूक और बंदूक ये गलत है, संदूक और बंदूक बोले, संदूक बंदूक। ये शिमाली हिंद में जहाँ उर्दू अच्छी बोली जाती है, फसी उर्दू बोली जाती है, आज भी संदूक कहते हैं। हैदराबाद में आप संदूक, संदूक बोलते हुए नहीं देखेंगे लोगों को, संदूक कहते हैं आज भी, संदूक। तो संदूक और बंदूक। हाँ, तो क्या अर्ज कर रहा था कि तालूत सही बादशाह है, अल्लाह का पसंदीदा बादशाह है, अल्लाह का मुंतखब शुदा बादशाह है, इसकी दलील के तौर पर अल्लाह तबारक व ताला उसके पास एक संदूक भेजेगा।
अय्यातियकुमुत ताबूत, तालूत के पास क्या आएगा? संदूक आएगा। अय्यातियकुमुत ताबूत, वो तालूत के पास भी आने वाला संदूक माना जाएगा और तुम्हारे पास भी आने वाला संदूक माना जाएगा। मगर आएगा कब? जबकि तालूत बादशाह होगा। फी ही सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बकियतुम मिम्मा तरक आलू मूसा व आलू हारून। तालूत को अल्लाह ने बादशाह बना दिया, अब ताबूत आने वाला है। उस ताबूत का नाम है ताबूत सकीना। उस ताबूत का नाम है ताबूत सकीना। उस ताबूत में क्या था? उस संदूक में क्या था? मूसा अलैहिस्सलाम का आसा रखा हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम का आसा था। हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा मुबारक था। मूसा अलैहिस्सलाम के नालायने शरीफ थे। देखिए दौलत किसे कहते हैं? दौलत, दौलत यह है पैगंबर के नालायने शरीफ, यह है दौलत। यह दौलत जिसे मिले वो बादशाह। मूसा अलैहिस्सलाम के नालायने शरीफ उस संदूक में रखे हुए थे, जो नालायने शरीफ की खिदमत अदा करते हैं, जो नालायने शरीफ के खिदमत गुजार हैं, जिनके पास नालायने शरीफ हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहाबी वसल्लम के, वो कितने खुशकिस्मत लोग हैं जो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहाबी वसल्लम के तबर्रुकात, मौला अली करमल्लाहु वजहू के तबर्रुकात, हसनैन करीमैन के तबर्रुकात, फातिमतु जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के तबर्रुकात के अमीन हैं, मुहाफिज हैं, खादिम हैं, मुतवल्ली हैं, उनकी खुशकिस्मती को बयान करने के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं, शब्द नहीं। उनकी खुशकिस्मती बयान करूं मैं, वो कितने पाए के खुशकिस्मत हैं, वो कितने बड़े खुशकिस्मत हैं। मेरा खद इतना बुलंद नहीं कि उनकी खुशकिस्मती को मैं बयान करूं लफ्जों में। तो तालूत को अल्लाह ने बादशाहत के लिए चुना है, इसकी दलील के तौर पर पैगंबर कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक संदूक आएगा, एक ताबूत आएगा। उर्दू में ताबूत कहते हैं तो जहन जाता है जनाजे की तरफ। ताबूत, जनाजे को ताबूत कहते हैं उर्दू में, लेकिन यहां ताबूत से मुराद संदूक है, संदूक। तो अर्ज कर रहा था कि पैगंबर कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक ताबूत आएगा, उस ताबूत का नाम क्या है? ताबूत सकीना। सकीना कहते हैं सुकून, राहत, इत्मीनान, पीस ऑफ माइंड। तो वो ताबूत जिसे मिल जाए उसे राहत ही राहत, उसके दिल को सुकून ही सुकून मिलता है। तो पैगंबर ने कहा कि ताबूत आएगा तुम्हारे पास, उसमें क्या था? उस ताबूत में क्या था? मूसा अलैहिस्सलाम के नालायने शरीफैन और मूसा अलैहिस्सलाम का आसाए मुबारक। यह हकीकत में आदम अलैहिस्सलाम का आसा था। आदम अलैहिस्सलाम के बाद शीस अलैहिस्सलाम के पास आया, उनके बाद उनसे होते होते हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आया, इसी तरह चलते चलते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया, फिर होते होते हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम के पास आया। शुआइब अलैहिस्सलाम ने अपनी मुकद्दस बेटी को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी बनाया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दामाद हुए हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम के। तो शादी के बाद जब रुखसत हुए हजरत
موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے شہر مدین سے حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر سے رخصت ہوئے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت بڑا تحفہ سمجھ کر جی حضرت آدم علیہ السلام کا جو عصا ان کے پاس تھا وہ عصا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کیا. اس عصا کی خوبی کیا تھی کہ جب اندھیرا چھا جاتا تو وہ عصا جو ہے لائٹ بن جاتا, اس عصا میں روشنی, اس عصا سے روشنی نکلتی ایسی کہ چاروں طرف جو ہے نور ہی نور پھیل جاتا, رات میں دن کا سما پیدا ہو جاتا, اور جب روشنی آ جاتی تو اس عصا سے عصا میں جو نور ہوتا وہ نظر نہیں آتا. اندھیرے میں چراغ کا کام دیتا, روش بلب کا کام دیتا وہ عصا. اور جب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگتی تو اس عصا سے کھانا آتا, بہترین کھانا. جب پیاس لگتی تو اس عصا سے پانی آتا. پیغمبر کے عصا میں حاجت روائی ہے کہ جس کے پاس پیغمبر کا عصا ہو اسے کھانا بھی مل جائے, پانی بھی مل جائے, اسے روشنی بھی. ایک چیز, ایک ہے عصا, ایک عصا روشنی بھی دے رہا ہے, پانی بھی دے رہا ہے, کھانا بھی دے رہا ہے, پکائی غذا دے رہا ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام چل چلاتی دھوپ میں آ جاتے تو وہ درخت سایہ دار بن جاتا, سایہ دار درخت بن جاتا وہ عصا. کتنے کام دے رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو. تو معلوم یہ ہوا کہ پیغمبروں کے ہاتھ میں رہنے والی چیز لوگوں کو مدد کرتی ہے, پیغمبروں کی مدد کرتی ہے, پیغمبروں کے کام آتی ہے. تو اب عام آدمیوں کا کیسے کام نہیں آئے گی؟ تو بندگان خدا, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس تابوت میں رکھا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے نالین شریفین اس تابوت میں رکھے ہوئے تھے. جس تابوت میں موسیٰ علیہ السلام کے نالین, نالین کسے کہتے ہیں, نالین کسے کہتے ہیں, جوتے, جوتے جس تابوت میں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے, اس تابوت کا ذکر قرآن کر رہا ہے. یعنی نالین موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے نالین اس میں رکھے ہوئے تھے. ہارون علیہ السلام کا عمامہ شریف اس میں رکھا ہوا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ایک غذا اتاری بنی اسرائیل کے لیے, آسمان سے ایک غذا اتاری تھی. وہ دو قسموں کی تھی, ایک کا نام تھا من اور ایک کا نام تھا سلوا. تو من کے کچھ ٹکڑے رکھے ہوئے تھے اس جی اس تابوت میں. وہ صندوق تین ہاتھ لمبا تھا اور دو ہاتھ چوڑا تھا. دیکھیے پیغمبروں کے آثار جس صندوق میں ہوتے ہیں اس صندوق کا ذکر مٹتا نہیں, تذکرہ مٹتا نہیں. اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تصویریں ان میں رکھی ہوئی تھیں, انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تصویریں, فوٹوز اس تابوت میں رکھی ہوئی تھیں. لیکن وہ فوٹوز کسی انسان نے نہیں کھینچی تھیں, کسی انسان کی کے آرٹ کا نتیجہ نہیں, قدرتی طور پر بنی ہوئی تصویریں, قدرتی طور پر بنی ہوئی تصویریں. ہم جو تصویریں رکھتے ہیں جن کا رکھنا ناجائز ہے وہ ہم کھینچتے ہیں, ہم تیار کرتے ہیں, یہ قدرتی طور پر بنی ہوئی تصویریں ہیں. اور یہ تابوت جو تھا وہ شمشاد نام کی لکڑی, ایک لکڑی کا نام ہے شمشاد, اس کے درخت کا نام بھی شمشاد. تو شمشاد نامی لکڑی سے بنا ہوا تھا. کتنی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے. تو اس کے ذکر کو اللہ نے محفوظ رکھا.
تابوت سکینہ کے ذکر کو، اس کے تذکرے کو، اس کی تاریخ کو اللہ نے محفوظ رکھا. تو اگر تم اللہ کی فرما برداری کرو گے تو تمہاری تاریخی حیثیت برقرار رہے گی. تم جو تاریخ میں، تمہارے تمام کارنامے تاریخ کا حصہ بن جائیں گے، اتہاس کا حصہ بن جائیں گے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین بھی اس میں رکھے ہوئے تھے، یہ تابوت سکینہ. جب یہ تابوت سکینہ آیا تو بنی اسرائیل کی قوم کے ان لوگوں کی مشکلیں آسان ہو گئیں. تو بزرگان دین، اللہ کے مقبول بندوں کے آثار مشکل کشا ہوتے ہیں، حاجت روا ہوتے ہیں. آہا، ان آیت ملک ہی ایاتی اکم تابوت فیہ سکینت من ربکم. اس تابوت میں سکون ہے، سکینت ہے، چین ہے تمہارے رب کی طرف سے. رب چین نازل کرنے والا، لیکن نازل کرتا ہے تو بزرگوں سے منسوب چیزوں کے ذریعے نازل کرتا ہے. وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات اس میں موجود تھے. جب وہ تابوت آیا، اس واقعے سے پہلے ایک مدت تک وہ تابوت کھو گیا، وہ ایک مدت تک تابوت کھو گیا تھا، پھر اس کی بازیافت ہوئی، ملا تابوت. تالوت کے زمانے میں وہ تابوت بنی اسرائیل کو ملا. کیسے ملا؟ تحملہ الملائکہ، فرشتے اس تابوت کو اٹھائے ہوئے. جس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کے نالین ہوں، فرشتے اس صندوق کو اٹھاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا تابوت کا نالین، پیغمبروں کے نالین، اللہ والوں کے نالین کا احترام کرنا ضروری ہے کہ اللہ کی بے گناہ مخلوق اسے اٹھا کے لاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے نالین کو فرشتے اٹھا کر لاتے ہیں. نالین جس تابوت میں رکھا ہوا ہے اسے فرشتے اٹھا کر لاتے ہیں. تحملہ الملائکہ. تو پیغمبر نے کہا کہ تالوت کی حکومت برحق ہے، سچی ہے، اللہ کی پسندیدہ ہے، اس کی دلیل کے طور پر تابوت سکینہ تمہیں ملے گا. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. اس واقعے میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو. اب وہ تابوت سکینہ آ گیا اور بات طے ہو گئی کہ تالوت جو ہے یہ بادشاہ ہے. فلما فصل تالوت بالجنود. جب تالوت نامی بادشاہ اپنے لشکروں کو لے کر، جند کہتے ہیں لشکر کو، جند اس کی جمع ہے جنود، تالوت نامی بادشاہ اپنے لشکروں کو لے کر چلا. کہاں چلا؟ جنگ کے لیے فرنٹ کی طرف، فرنٹ کی طرف، مورچے کی طرف، محاذ کی طرف. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر. پیغمبر نے کہا، تالوت نے کہا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے. تالوت کے ساتھ بنی اسرائیل کی قوم کے لوگ چلے کفار سے جنگ کرنے کے لیے، اور راستے میں کیا ہونے والا ہے تالوت بتا رہا ہے کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ یہ اے لوگوں تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہر سے آزمائے گا، یعنی راستے میں ایک نہر آئے گی. نہر آپ سمجھتے ہیں؟ نہر، بہت سے لوگوں کو نہر کا معنی بھی نہیں معلوم ہے، سر ہلا دیتے ہیں، بٹ دے ڈونٹ نو واٹ از مینٹ بائی نہر. نہیں معلوم، میں جانتا ہوں. ہاں، تو نہر کسے کہتے ہیں؟ جھیل کو، بہتے ہوئے پانی کو نہر کہتے ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ندی بڑی ہوتی ہے، نہر چھوٹی. تو عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی ایک نہر سے انہیں آزمانا چاہتا تھا.
उनके बादशाह ने कहा कि लोगों तुमको अल्लाह एक नहर से आजमाएगा, रास्ते में एक नहर आएगी और तुम्हें प्यास लगेगी, फमन शरीबा मिन्हू फलैसा मिन्नी, उस नहर से जो पानी पिएगा वो मुझसे नहीं, उसका ताल्लुक मुझसे नहीं होगा, अल्लाह उससे राजी नहीं होगा। वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी, उससे जो पानी नहीं पिएगा वो मेरा होगा, वो मेरा साथी होगा, जो पानी पी लेगा उस नहर का वो मेरा नहीं होगा, अल्लाह उससे राजी नहीं होगा। इल्ला मन इग्तरफा गुरफतन, हाँ एक दो चुल्लू पानी पी लिए किसी ने, एक दो चुल्लू पानी के भर लिए, चुल्लू में दो तीन चुल्लुओं में पानी पी लिया तो अल्लाह नाराज नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा पानी जो पी लेगा उससे, यानी शिकम शेर होकर पेट भर के पानी पिएगा, तो इसकी इजाजत अल्लाह की तरफ से नहीं। अपने हाथ से चुल्लू में, इसे कहते हैं चुल्लू, चुल्लू में पानी लेके कोई पी ले तो कोई बात नहीं। जब ये लोग पहुंचे, रास्ते में नहर आई तो फशरीबू मिनहु इल्ला खलीलम मिनहुम, उस नहर से पानी पीने लगे, पीते गए बहुत से लोग, उनमें से बहुत ज्यादा पानी पी लिया। अब इतना पी लिया कि अब इनसे चलना भी दुश्वार हो गया। फलम्मा जावज़हु हुवा वल्लज़ीना आमनु माहु, अब नहर को पार कर गए बहुत से लोग, थोड़ा पानी पिया उन्होंने या पानी पिया ही नहीं, बहुत से लोगों ने बहुत सारा पानी पी लिया। जब जिन लोगों ने पानी कम पिया था, चुल्लू भर लिए थे, वो पहुंचे, कहां पहुंचे, फ्रंट पर पहुंचे, जालूत के सामने पहुंचे, तो उन्होंने कहा ये कौन थे, अल्लाह के फरमाबरदार बंदे ही थे, मुसलमान थे। जालूत के लश्करों को देखकर, यह कौन था, काफिर बादशाह था जालूत, जालूत के लश्करों को देखकर उन्होंने कहा ला ताकत लना अल्यौम बिजालूत व जुनूदिही, जालूत और उसके लश्करों का मुकाबला करना इसकी ताकत आज हम में नहीं है। खाल अल्लज़ीन यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाकुल्लाह, वो लोग जिन्हें अल्लाह की मुलाकात पर यकीन था, मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात होगी, उन्होंने कहा कम मिन फियतिन खलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, उन्होंने कहा कि कितनी ऐसी कौमें हुई हैं, ऐसी टुकड़ियां हुई हैं, छोटी जमात थी बड़ी जमात पर गालिब आ गई अल्लाह के हुक्म से, हम छोटे हैं, हमारी तादाद कम है, क्योंकि एक बड़ी तादाद में निकले थे ये लोग, लेकिन पानी खूब पीकर नहर के पास ही बैठ गए, जिन्होंने पानी पी लिया बहुत सारा वो इनके साथ नहीं आ सके, जिन्होंने कम पानी पिया या पानी बिल्कुल पिया नहीं वो लोग ही जालूत के सामने आ सके। जब जालूत के लश्करों को देखा, उनकी तादाद को देखा कि वो बहुत ज्यादा है तादाद उनकी, तो ये लोग हिम्मत हार बैठे और इन्होंने कहा कि हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो उन्हीं लोगों में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि कितनी ऐसी कौमें हुई हैं, ऐसी जमातें हुई हैं, तादाद में कम थी लेकिन बड़े अपने से तादाद में ज्यादा कौमों पर गालिब आ गईं, बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से, वल्लाहु मा साबिरीन, और अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। वलम्मा बरजू लिजालूत व जुनूदिही, जब जालूत और उसके लश्करों को उन्होंने देखा तो अल्लाह से कहा रब्बना अफ़रिग अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफिरीन, कहे हमारे रब हम पर सब्र उंडेल दे, हम पर सब्र उंडेल दे, यानी मतलब सब्र ज्यादा हमें अता फरमा,
इस सूरत हाल का हम मुकाबला कर सकें, इस सूरत हाल को हम फेस कर सकें, इस सिचुएशन को हम फेस कर सकें। लिहाजा सब्र चाहिए हमें मुश्किलों के का मुकाबला करने के लिए, मुश्किलों से लड़ने के लिए सब्र की ज़रूरत होती है। कहा कि रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन, हम सब्र नहीं कर सकते, इस भयानक सूरत हाल का मुकाबला हम नहीं कर सकते, डट कर मुकाबला नहीं कर सकते, तू हमें सब्र दे दे। अफ़रिग़ अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना, और हमारे कदमों को साबित कदम रख, हमारे पाँव को जमाए रख। वंसुरना अलल क़ौमिल काफिरीन, ये सामने जो कौम काफिर है, जालूत की कौम है, इस पर हमें फतह अता फरमाई, से शिकस्त दे। फहज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है इन्होंने दुआ की, अल्लाह ने कबूल फरमा ली, और हज़मूहुम, हजीमत दे दी, शिकस्त दे दी, डिफीट दे दी छोटी जमात ने बड़ी जमात को अल्लाह के हुक्म से। तो अल्लाह का हुक्म हो जाता है तो मुश्किल आसान हो जाती है। वख़तला दा, हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है, मुश्किल आसान अस्बाब से नहीं होती हकीकत में, अल्लाह के हुक्म से होती है। वख़तला दाऊद जालूता, और दाऊद अलैहिस्सलाम भी तालूत के लश्कर में थे, दाऊद अलैहिस्सलाम भी तालूत के लश्कर में थे। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से जालूत जो काफिर बादशाह था उसका सर खलम किया। वह खतल दाऊद जालूता वह आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिक्मा, अब वो तालूत की हुकूमत जो है वो किसे मिल गई, दाऊद अलैहिस्सलाम को मिल गई। इस तरह अल्लाह ने तालूत के जरिए से दाऊद अलैहिस्सलाम को हुकूमत अता फरमाई। वह आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिक्मा, और हिकमत भी अता की अल्लाह तबारक तआला ने किसे, दाऊद अलैहिस्सलाम को। वअल्लमहु मिम्मा यशा, और अल्लाह जो इल्म देना चाहता था हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वो इल्म सिखा दिया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को। तो बंदगाने खुदा, इससे मालूम यह हुआ कि अल्लाह तबारक तआला जिसे चाहता है सल्तनत देता है। गरीब था तालूत, और अल्लाह तबारक तआला ने उस गरीबी को बादशाह अता फरमाई। तो अगर हालात नामुसाइद हैं, अगर अस्बाब नामुसाइद हैं, साथ नहीं दे रहे हैं, खातिर खा नहीं है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह तबारक तआला का दामन रहमत थाम लो मजबूती के साथ, अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। तालूत के पास दाऊद अलैहिस्सलाम थे, तालूत के पास अल्लाह के पैगम्बर की निस्बत थी, लिहाजा तालूत जीत गया। तालूत को मानने वाले, उसकी फरमाबरदारी करने वाले जीत गए। दौलत कोई चीज नहीं, बात समझ में आ रही है, इल्मे दीन बड़ी चीज है। आज ऐसा बुरा वक्त आया है इल्मे दीन पर, ऐसा जमाना है, नाजुक जमाना है, खुरबे खयामत का जमाना है। लोग जो है उलमाए दीन का मजाक उड़ाते हैं, उलमाए दीन का मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को दावत देने वाली चीज है ये। आलिम को हकीर सा जान रहा है जाहिल, ये आलिम दीन है। अच्छा अच्छा, आलिम दीन पूछता है आप मुझे जानते हैं, नहीं मैं नहीं जानता, क्या है आप, मैं फुला मदरसे का फारिग, फुला मस्जिद का इमाम, फुला मस्जिद का खतीब हूं, मैंने इतनी किताबें लिखी हैं, मैं फुला काम कर रहा हूं, फुला काम कर रहा हूं, वहां मदरसा मैंने बनाया है। अच्छा अच्छा, कोई मालदार आता है, अस्सलाम वालेकुम, आइए बैठिए बैठिए। वो जमाना आ गया है इल्मे दीन हजार दर्जे, लाख दर्जे, करोड़ दर्जे दुनिया की दौलत से अफजल है। इल्मे दीन की कदर करने वाले अनबिया, इल्मे दीन की कदर करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत, इल्मे दीन की कदर करने वाले गौसे आजम रजी अल्लाह ताला, इल्मे दीन की कदर करने वाले ख्वाजा अजमेरी रजी अल्लाह ताला। दौलत फिरौन के पास भी थी, दुनिया की दौलत फिरौन के पास भी थी। ऐ दौलत पर अकड़ने वाले, तेरे पास जो दौलत है वो तेरी दौलत है,
किसी का हिस्सा तूने हड़प लिया है, किसी का हक तूने छीन लिया है, किसी की अमानत में तूने खयानत की है, चोरी करके तू दौलतमंद बना है, डाका डाल के तू दौलतमंद बना है, सूद के जरिए तू दौलतमंद है, तू दौलतमंद बना है। तो अर्ज कर रहा था कि दौलत कोई चीज नहीं, इल्म दीन बड़ी चीज है। अल्लाह तबारक व तआला ने दौलतमंद की दौलतमंद से दौलत छीन कर इल्म दीन वाले को दौलत दे दी, हुकूमत दे दी। तो बंदगाने खुदा, अल्लाह तबारक व तआला की शान मैं क्या बयान करूं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। अल्लाह कौन है? हु इज अल्लाह, हु इज अल्लाह, अल्लाह ताला कौन है? अल्लाह का तारुफ अल्लाह करवा रहा है, अल्लाह खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा है, अपना तारुफ पेश कर रहा है। अल्लाह, अल्लाह जिसे कहते हैं, अल्लाह जिसे कहते हैं, वो कौन है? अल्लाह जो मुसलमानों का खुदा है, अल्लाह जिसे मुसलमान खुदाए बरहक मानते हैं, सच्चा खुदा मानते हैं, वो कौन है? अल्लाह मुब्तदा है, मुस्नद इलैह है, अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु, ये पूरा जुमला खबर है, मुस्नद है। अल्लाह कौन है? ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह वो है जिसके सिवाय कोई माबूद नहीं, मुस्तहिक इबादत नहीं, वर्ती ऑफ वर्शिप नहीं, पूजे जाने के काबिल नहीं। अल्लाह वो है जिसके सिवाय कोई पूजे जाने के काबिल नहीं, इबादत के लायक नहीं। अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह एक ही मुस्तहिक इबादत है, अल्लाह ही की इबादत हो सकती है, अल्लाह ही इस काबिल है कि उसकी इबादत करें उसके बंदे। अल्लाह के सिवाय ना जमीन मुस्तहिक इबादत है, ना जमीन इबादत के नजराने हमसे वसूल करने के काबिल है, ना जमीन की इबादत हम कर सकते हैं, ना आसमान की इबादत हम कर सकते हैं, ना चांद की इबादत हम कर सकते हैं, ना सूरज की इबादत हम कर सकते हैं, ना सितारे की इबादत हम कर सकते हैं, ना हवा की इबादत हम कर सकते हैं, ना मौसम की इबादत हम कर सकते हैं, ना अपने बाप की हम इबादत कर सकते हैं, ना माँ की इबादत हम कर सकते हैं, ना बहन की इबादत कर सकते हैं, ना फूफी की इबादत कर सकते हैं, ना खाला की इबादत कर सकते हैं, ना किसी वली की इबादत कर सकते हैं। वली की इबादत करने वाला भी काफिर है, मुशरिक है, बेईमान है। मुसलमान वो है जो गौसे आजम को भी अपना माबूद नहीं मानता, ख्वाजा अजमेरी को भी अपना माबूद नहीं मानता, जो ख्वाजा अजमेरी को भी माबूद मानेगा वो काफिर है, मुशरिक है। यह है पीरी मुरीदी का पैगाम, यह है सच्ची पीरी मुरीदी, यह है अहले सुन्नत व जमात का पैगाम, अकीदा अहले सुन्नत व जमात का, ईमान अहले सुन्नत व जमात का। सुन्नी वो है, सुन्नी वही है जो किसी वली को खुदा नहीं मानता, वली को वली मानता है, खुदा का दोस्त मानता है, खुदा नहीं मानता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो खुदा नहीं मानता वही मुसलमान है, वही सुन्नी है, वही अहले सुन्नत व जमात है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम को, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, यहां तक के सरकार मदीना ताजदार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह रसूल अरबी फिदाहु उम्मी व अभी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व असहाबिहि वसल्लम को भी जो खुदा मानता नहीं वही मुसलमान है। हम कलिमा क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के, नहीं है कोई वर्ती ऑफ वर्शिप सिवाय अल्लाह के, नहीं है कोई पूजा जाने के काबिल सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह नहीं है। तो अल्लाह को माबूद बरहक वही मानता है, अल्लाह को माबूद वही मानता है, अल्लाह को मुस्तहिक इबादत वही मानता है जो अल्लाह के सिवाय जितनी भी जाते हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनको माबूद नहीं मानता। तो अल्लाह की तारीफ क्या बयान की अल्लाह तबारक तआला ने? अल्लाह वो है जिसके सिवाय कोई माबूद नहीं, कोई खुदा नहीं, माबूद यानी मुस्तहिक इबादत, इबादत का सच्चा मुस्तहिक हकदार। मैं तो लफ्ज बोल रहा हूं, कितनी सब बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है अल्लाह जानता है, अल्लाह करे कि सबकी समझ में आ जाए। आमीन, आमीन।
अंदाज़े बयां गरचे बहुत शोख नहीं है, अंदाज़े बयां गरचे बहुत शोख नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तो अर्ज कर रहा था अल्लाह कौन है? अल्लाह वो है जिसके सिवाय कोई माबूद नहीं। तो माबूद बस एक है, उसका नाम है अल्लाह। पूजा उसी की हो सकती है, उसी को पूजा जा सकता है, उसी की वर्शिप हो सकती है, उसी की परस्तिश हो सकती है, उसी की इबादत हो सकती है। उसके सिवाय किसी की इबादत नहीं हो सकती। उसके सिवाय किसी और को भी माबूद जो मानता है, मुस्तहिक इबादत जो मानता है, वो काफिर है, काफिर है, काफिर है। अगर उसी अकीदे पर वो मर जाएगा तो जहन्नम में जाएगा और हमेशा जहन्नम में रहेगा, कभी जहन्नम से निकल ना पाएगा। यह अकीदा है अहले सुन्नत व जमात का। अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लाहु, तो इबादत अल्लाह के सिवाय किसी की नहीं हो सकती। मुसलमान अल्लाह के सिवाय किसी को मुस्तहिक इबादत, लायक इबादत ख्वाब में भी नहीं सोचता। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह वो है जिसके सिवाय कोई माबूद नहीं। हमारा ईमान तौहीद की बुनियाद पर कायम है। तौहीद ईमान का जुज्व ला यनफक है। तौहीद क्या है? एक को इलाह बरहक मानना, एक को मुस्तहिक के इबादत मानना, वर्तिया फर्शिप मानना। वो एक कौन? अल्लाह। और उसके सिवाय किसी को वर्ती ऑफ वर्शिप ना मानना, मुस्तहिक इबादत ना मानना। इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी। हाँ, रेस्पेक्ट और ताजीम गैरुल्लाह की भी होगी, अल्लाह के बंदों की भी होगी, लेकिन इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी। इबादत भी ताजीम है, लेकिन ऐसी ताजीम के जो सिर्फ अल्लाह की जात से खास हो, उसे इबादत कहते हैं। ताजीम की सबसे ऊंची और आला किस्म इबादत है, और इबादत का मुस्तहिक हकदार अल्लाह है, अल्लाह के सिवाय, और अल्लाह के सिवाय कोई नहीं। बात समझ में आई? तो बंदगाने खुदा अर्ज कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, वक्त हो गया, अल हय्युल कय्यूम, अल्लाह तबारक व तआला के सिवाय कोई माबूद बरहक नहीं, मुस्तहिक इबादत नहीं। अल हय्युल कय्यूम, वो हय है, जिंदा है, और कय्यूम है, कायम बखुद है, खुद से कायम है, खुद से मौजूद है। अल्लाह जिंदा है। कैसा जिंदा है? कि उसकी जिंदगी कभी खत्म नहीं हो सकती, ऐसी जिंदगी से वो जिंदा है। और अल-कय्यूम कायम बखुद है, यानी खुद से कायम है, उसी उसे किसी ने कायम नहीं किया, उसे किसी ने कायम नहीं किया। कायम से मुराद मौजूद, अल्लाह तबारक व तआला को किसी ने मौजूद नहीं किया, वो खुद से मौजूद है। और जो खुद से मौजूद होगा वही इस काबिल होगा कि अपने गैर को मौजूद करे, अपने गैर को मौजूद कर सके। तो अल्लाह तबारक व तआला कय्यूम है, यानी जो खुद से कायम है और उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं उन सबको मौजूद करने वाला है, कायम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला खुद से मौजूद है और सारी कायनात हजदा हजार आलमों में जितनी भी चीजें हैं उन सबको मौजूद और कायम करने वाला है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह तबारक व तआला को ऊंघनी भी नहीं आती। सिनतुन कहते हैं, सिनतुन सीन नून ते, सीन नून ते, सीन नून गोलते, सिनतुन, सीन को जेर है, कसरा है, सिनतुन, सिनतुन के माने है ऊंगनी, सिनतुन के माने है ऊंगनी।
और सीन को अगर जबर लगा दिया जाए सनतुन, सनतुन के माने साल, सिर्फ जेर और जबर का फर्क। ला ताखुज़ुहू सिनतुन, अल्लाह तबारक व तआला को ऊंघनी नहीं आती। हमारा हाल तो यह है कि सोएं तो 12 घंटे भी सोते हैं, अल्लाह ये 8 घंटों से ज्यादा सोना सेहत के लिए मुजिर है। और जिसका काम सोचना है, पढ़ना है, लिखना है, रहबरी करना है, जो लीड करता है लोगों को, जिसके जिम्मे बहुत से फराइज हैं, वो आदमी सो नहीं सकता, उसे थोड़ी नींद बहुत कम आती है, उसे बहुत कम नींद आती है। ये कि 6 बजे सुबह में सोए हैं तो फिर 2 बजे रात के शाम के उठ गए, और 7 बजे सोए तो इफ्तार के वक्त पर उठे। हाँ, तो क्या अर्ज कर रहा था, अल्लाह ताला की शान सोना नहीं, अल्लाह ताला की शान ऊँगना भी नहीं, वो ऊँगता नहीं। ला ताखुज हुसना वला नाउम, और उसे नींद भी नहीं आती। लहू माफिस समावाती व माफिल अर्द, आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है उसका हकीकी मालिक अल्लाह है। जमीन को देखो तो यकीन करो कि इसका हकीकी मालिक अल्लाह है, इसका मालिक अल्लाह है। मालिक नजर नहीं आता, उसकी मिल्क में जो चीजें हैं वो दिखाई देती हैं। ओनर नजर नहीं आता, वो ओन जिन चीजों को कर रहा है वो चीजें नजर आ रही हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला नजर नहीं आता, उसकी ममलू का चीजें नजर आती हैं। जमीन उसकी ममलू, जमीन का मालिक हो, आसमान का मालिक हो, चांद का मालिक हो, सितारों का मालिक हो, हवाओं का मालिक हो, तुम जिसे रब मान रहे हो, माबूद मान रहे हो, इतनी बड़ी कायनात का वो मालिक है, तो फिर तुम्हें परेशान होने की जरूरत क्या है। आसमानों और जमीन की हर दौलत उसकी है, हर नेमत उसकी है, हर माल उसका है, हर अस्बाब उसके हैं, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। जो चीज चाहे तुमको, जिस चीज की जरूरत होगी वो पहुंचा देगा तुम्हें। लहू माफिस समावाती व माफिल अर्द, मन दल्लजी यशफाउ इंदहू इल्ला बिइज़्निही, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में किसी की सिफारिश, किसी को रिकमेंड करना उसी का हक है जिसे अल्लाह इजाजत दे। अल्लाह की बारगाह में किसी गुनाहगार की सिफारिश कोई करेगा तो वो वही करेगा जिसे अल्लाह ने इजाजत दी हो। इल्ला बिइज़्नि, यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, अल्लाह तबारक व तआला की शान यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके सामने जो चीज है उसे भी जानता है, उनके आगे जो चीज है उनसे भी जानता है, उनके पीछे जो चीज है उन्हें भी जानता, उसे भी जानता है। और वला युहीतुना बिशैइन मिन इल्मिह, अल्लाह तबारक व तआला के तमाम उलूम अल्लाह के इल्म में है, तमाम हालात, तमाम चीजें अल्लाह के इल्म में है। अब जिसे जो इल्म मिलता है, जिस बात का इल्म मिलता है, वो अल्लाह ही की तरफ से अता करता है। वला युहीतुना बिशैइन मिन इल्मिह इल्ला बिमा शा वसिया कुर्सीयुहु समावाति वल अर्द, अल्लाह तबारक व तआला की कुर्सी आसमानों और जमीन उसमें समा चुके हैं। यहां कुर्सी से मुराद उलमा ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला का इल्म, वसिया कुर्सी हो उसका इल्म, या उसकी कुदरत, या अर्श आजम। वसिया कुर्सी हो समावाती वल अर्द, आसमानों और जमीन उसमें समाये हुए, यानी आसमानों और जमीन से बड़ी चीज है अर्श जिसे कहते हैं। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम, और अल्लाह तबारक व तआला आसमानों और जमीन की हिफाजत कर रहा है। अगर वो हिफाजत ना करे तो आसमान बर्बाद हो जाए, जमीन तबाह हो जाए, ये निज़ाम बर्बाद हो जाए, और आसमानों और जमीन की वो हिफाजत कर रहा है, निगरानी कर रहा है। लेकिन इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला थकता नहीं, पूरा निजाम चला रहा है, थक जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला 18,000 आलमों का निजाम चला रहा है, थकता नहीं। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम, उसे थकाती नहीं, मतलब यह कि उस पर गुरा नहीं गुजरता इन आसमानों और जमीन का निजाम चलाना। ला इकराह फिद्दीन खत तबयन अर्रुश्द मिन अल्गई, दीन में इकराह नहीं, जबरदस्ती नहीं, हम जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं बना सकते। ला इकराह फिद्दीन,
دین میں جبر و اکراہ نہیں. یہ مسئلہ یاد رکھ لیں, کسی کافر کو زبردستی مسلمان بن. کتنا پیارا مذہب ہے, کتنا خوبصورت مذہب ہے اسلام. ہمارے تاریخ بتا رہی ہے کہ کسی مسلمان بادشاہ نے تلوار کی زور سے, تلوار دکھا کر, تلوار سر پر رکھ کے کہانی کہ مسلمان بن جا ورنہ کافر, ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا. ہندوستان پر 800 سال مسلمان بادشاہوں نے حکومت کی, 800 برس حکومت کی بلا شرکت غیر پورے ہندوستان پر, لیکن کبھی کسی مسلمان بادشاہ نے کسی کافر کو پکڑ کے نہیں کہا کہ مسلمان بن ورنہ تلوار سے تیرا سر قلم کر دوں گا. نہیں, کیوں کہ اللہ نے اجازت نہیں دی زبردستی کسی کو مسلمان بنانے کی. اللہ نے اجازت نہیں دی. لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر و اکراہ نہیں. خدا کو ماننا تو خدا کا عاشق بن کے ماننا ہے, خدا کو خدا کا دیوانہ بن کر, خدا کے پیار میں ڈوب کر خدا کو ماننا ہے, اس کا دین قبول کرنا ہے, دین اسلام قبول کرنا ہے. یہ زبردستی ماننا ماننا ہی کہاں ہوا؟ لا اکراہ فی الدین. خط تبین الرشد من الغی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اچھی راہ اور بری راہ دونوں کو الگ الگ کر کے بتا دیا, گمراہی اور ہدایت کو الگ الگ طور پر بتا دیا کہ یہ گمراہی ہے یہ ہدایت ہے. یہ کام تو کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. جو شیطان کا کفر کرے گا, شیطان کو رب نہیں مانے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانے گا, اللہ کے دین کو اپنا ایمان بنائے گا, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا. لَمْ فِصَامَ لَهَا, وہ کبھی کھلنے والی نہیں, ٹوٹنے والی نہیں. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اس آیت پر مجھے بولنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا ولی ہے, دوست ہے. ایک یجمان اپنے نوکر کو نہیں بولتا I am your friend, میں تمہارا دوست ہوں. باپ اپنے بیٹے سے نہیں کہتا بیٹا میں تمہارا دوست ہوں. باپ اپنی بیٹی سے نہیں کہتا, نازوں سے پالتا ہے بیٹی کو, لاکھوں روپے لگا کے, کروڑوں روپے لگا کر اس کی شادی کرتا ہے, لیکن I am your friend, میں تمہارا دوست ہوں بیٹا نہیں بولتا. کیوں, میں باپ ہوں, میں کیسے بولوں اسے کہ میں بیٹا تمہارا دوست ہوں, نہیں بولتا. لیکن اللہ کا کرم دیکھیے, کیا رحمت ہے بندوں سے, اسے کتنا پیار ہے. باپ کیا اپنی بیٹی سے پیار کرے گا, باپ کیا اپنے بیٹے سے پیار کرے گا, بڑا بھائی کیا چھوٹے بھائی سے پیار کرے گا. اللہ رب العزت بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے, کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا, اے ایمان والو اللہ تمہارا دوست ہے. تو دوستی کا ہاتھ اس نے پہلے بڑھایا ہے, دوستی کا اعلان وہ کرتا ہے. بندے کہاں کہہ سکتے تھے اے اللہ ہم تیرے دوست ہیں, اس نے خود بندوں کو بولنے والا بنایا, کہا کہ میں تمہارا دوست ہوں, میں تمہارا دوست ہوں. اب بندوں کو بھی حق حاصل ہو گیا, ہمت ہو گئی, اے اللہ ہم بھی تیرے دوست ہیں بولنے کی ہمت آ گئی. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور, ایمان والوں کا دوست ہے تو حق دوستی وہ کس طرح ادا کرتا ہے, کفر کی, شرک کی, گمراہیوں کی تاریکی سے نکال کر انہیں نور ہدایت ملاتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, جو کافر ہیں ان کے دوست جو ہیں شیطان ہیں, شیاطین ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ شاید کافروں کو کیا کرتے ہیں, نور سے نکال کر گمراہی میں لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, یہ آگ والے ہیں, یہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے. ایک دو واقعات بڑے اہم سنا کر, آج میں اللہ ولی الذین آمنوا کی آیت سنانا چاہتا تھا کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. تو ہر مومن, ہر مسلمان, مومن کون ہے؟ مسلمان. ہر مسلمان کا اللہ دوست ہے. جب اللہ دوست ہے تو ہر مسلمان بھی اللہ کا دوست ہے یا نہیں؟ اللہ کا دوست ہے. تو ہر مسلمان کا دوست اللہ ہے.
दोस्त को अरबी में वली कहते हैं। हर मुसलमान का वली अल्लाह है और हर मुसलमान अल्लाह का वली है। इस विलायत को, इस दोस्ती को विलायत आम्मा कहते हैं। हर मुसलमान का अल्लाह दोस्त और हर मुसलमान अल्लाह का दोस्त है, ये आम विलायत है, हर मुसलमान को हासिल है। ये खास विलायत है जो गौसे आजम को मिली है, ख्वाजा अजमेरी को मिली है। ऐसी खास विलायत जिसे मिलती है उसी को हम कहते हैं, उर्फ में उसी को वली कहते हैं। भाई ये वली हैं, हम तो गुनाहगार आदमी हैं, आम आदमी हैं, ये वली हैं। ये सैयद मूसा शाह कादरी हैं रहमतुल्लाह अलैह, ये वली हैं। गरीब नवाज वली हैं, हम कहाँ वली भाई, गरीब नवाज वली हैं, गौसे आजम वली हैं, खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह वली हैं। ये खास विलायत रखने वाले वली, खास विलायत रखने वाले वली को ही मुसलमान उर्फ में वली कहते हैं। आम विलायत तो हर मुसलमान को हासिल है, जिसके दिल में ईमान है, जो अल्लाह को मानता है, जो मुसलमान है, काफिर नहीं है, वो अल्लाह का दोस्त है। क्यों? कि अल्लाह ने कहा कि मैं ईमान वालों का दोस्त हूं। सिर्फ ईमान का तज़किरा किया, अल्लाहु वलीयुल लदीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है, ये कहा। ये नहीं कहा कि अल्लाहु वलीयुल लदीना आमनू वामिलुस्सालिहात, अल्लाह ईमान और अमल सालेह रखने वालों का दोस्त है, नहीं कहा। इस आयत में अल्लाहु वलीयुल लदीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है। जो भी मोमिन है अल्लाह उसका दोस्त है। जब अल्लाह उसका दोस्त है तो वो अल्लाह का दोस्त कैसे नहीं होगा? मैं बरकतुल्लाह साहब का दोस्त हूं तो जाहिर है बरकतुल्लाह साहब भी मेरे दोस्त हैं। बरकतुल्लाह साहब कह रहे हैं कि मैं भाईजू का दोस्त हूं तो जाहिर है भाईजू भी बरकतुल्लाह साहब के दोस्त हैं। हमीद रशीद का दोस्त है तो रशीद भी ला महला हमीद का दोस्त है। तो अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है, तो ईमान वाले भी क्या हुए? अल्लाह के दोस्त हुए। ये आम दोस्ती, आम विलायत, इसे विलायत आम्मा कहते हैं, जो हर मुसलमान को मिलती है। ईमान लाते ही अल्लाह की दोस्ती मिलती है। अब ये खुसूसी दोस्ती है, वो सबके हिस्से में नहीं आती, सहाबा के हिस्से में आई, अनबिया के हिस्से में आई, मुरसलीन के हिस्से में आई, सहाबा के हिस्से में आई, हैं, और जनाब इमाम आजम के हिस्से में आई, गौसे आजम के हिस्से में आई, इमाम हुसैन के हिस्से में आई, इमाम हसन के हिस्से में आई, मौला अली के हिस्से में आई, हाँ, 12 इमामों के हिस्से में आई, मेरे सैयद मूसा शाह कादरी के हिस्से में आई, मेरे दस्तगीर साहब क़िबला साबी रहमतुल्लाह अलैह के हिस्से में आई, मेरे आमिर पिया के हिस्से में आई, मेरे नूरी पिया के हिस्से में आई, अमीर खुसरो के हिस्से में आई, निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के हिस्से में आई, सजद बरजाते तो आलम पनाही निज़ामुद्दीन महबूब इलाही। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल बहुत अहम, बहुत दिलचस्प, बहुत ही सुनाने के काबिल वाक़ियात आ रहे हैं। ये नमरूद का वाक़िया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो गुफ्तगू की, और फिर उसके बाद जो है हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़िया, बहुत अहम टॉपिक्स इंशाअल्लाह कल डिस्कस करेंगे हम। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी महफिल में सादात किराम की कसरत है, गैरे सैयद एक दो हैं, बाकी रहा एक सैयद, दो सैयद, तीन सैयद, चार सैयद, पांच सैयद, छः सैयद, सात सैयद, आठ सैयद, नौ सैयद, दस सैयद, ग्यारह सैयद। मैं खुद को मिला के बोल रहा हूँ, मुझे मिला के ग्यारह, तो एक गैर सैयद है और हमारी इस छोटी सी महफिल में दो सैयद है, दो सैयद, दो गैर सैयद हैं, बाकी के सब सैयद, बाकी के सब सैयद हैं माशाल्लाह। तो सादात किराम ये किसके बेटे, सादात किराम किसकी नस्ल है? सैयद को सैयद किसने बनाया? सैयद को सैयद एक खातून ने बनाया, एक मुकद्दस और मोहतरम और बरगुजीदा और बरचीदा और हजारों एतबार से एहतराम के काबिल जात ने बनाया, एक औरत जात ने बनाया।
बेशुमार औरतों को सैदानी बनाया, बेशुमार मर्दों को सैयद बनाया, एक औरत की निस्बत ने, एक औरत की, एक खातून की निस्बत ने। वो खातून कौन है? खातून महशर, खातून जन्नत। वो खातून कौन है? खातून बहुत से लोगों को माना मालूम नहीं। खातून, खातून बोले तो लेडी, औरत। तो क्या अर्ज कर रहा था? एक औरत की निस्बत ने हजारों लाखों करोड़ों मर्दों को सैयद बनाया, एक औरत से रिश्ते ने, और एक औरत से, एक मुकद्दस और मोहतरम औरत के रिश्ते से हजारों लाखों करोड़ों औरतें सैदानियां बन गई, सैयद बन गई। सैयद औरत होती है तो उसे सैदानी कहते हैं, मर्द होता है तो उसे सैयद कहते हैं। तो वो कौन औरत है जिसकी निस्बत से हम सैयद सैयद कहलाए, आले रसूल कहलाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की औलाद कहलाए? वो कौन औरत है? उस औरत को कहते हैं खातून महशर, उस औरत को कहते हैं खातून जन्नत, जो जन्नत की तमाम औरतों की सरदार होंगी, तमाम जन्नती औरतों की सरदार होंगी। और वो कौन है? हजरत सैयदतुना फातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदतुना फातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बेटी हैं, साहिबजादी हैं। मरियम, मरियम अज एक नस्बत ईसा अजीज। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, सुनाऊं? डॉक्टर इकबाल कहते हैं मरियम अज एक नस्बत ईसा अजीज। मरियम को बहुत इज्जत मिली, हजरत मरियम, बीबी मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी, हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनको बड़ी इज्जत मिली है, बड़ा मर्तबा मिला है। क्यों? कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम, एक ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से, एक निस्बत की वजह से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम मोहतरम हैं। मरियम अज़ीज़ निस्बत ईसा अजीज, अस्से निस्बत हजरत जहरा अजीज। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, अल्लामा इकबाल कहते हैं, शेख मोहम्मद इकबाल कहते हैं, तीन निस्बतों की वजह से हजरत जहरा, फातिमतु जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को इज्जत मिली है, मर्तबा मिला है, मकाम बुलंद है उनका, उनके बाप के जैसा कोई बाप नहीं। उनके बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फातिमतु जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी माँ, उनके शौहर मौला अली मुश्किल कुशा हैं। क्या मकाम है हजरत अली करम अल्लाह वजहू का, है? अली जहां पैदा हों उस घर का नाम है काबा। अली कहां पैदा हुए? खाने काबा के अंदर पैदा हुए, खाने काबा के पेट में हजरत अली पैदा हुए। हजरत फातिमा बिनते असद हजरत अली करम अल्लाह वजहू के वालिदा, उनके पेट से निकले, खाने काबा के पेट में आ गए। अली का जौफे काबा में पैदा होना मुतवातिर रिवायात से साबित, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। तो अर्ज कर रहा था कि हजरत अली जहां पैदा हुए उसी घर का चक्कर लगाता है, हाजी जाके सात बार फिरता है। तो हजरत अली हजरत फातिमतु जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के मुकद्दस शौहर है, फातिमा के शौहर के जैसा कोई शौहर नहीं है। शाह मर्दा शेर यजदा कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। और हजरत फातिमतु जहरा के बेटों के जैसा कोई बेटा नहीं, हसनैन करीमैन, इमाम हसन इमाम हुसैन। तो हजरत फातिमतु जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम मैं क्या बयान करूँ? सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व असहाबिहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने फातिमा पर और फातिमा से मोहब्बत करने वालों पर जहन्नम को हराम कर दिया। अब आप खुद फैसला कर लो कि आपका अंजाम क्या है।
आपकी आखिरत क्या है, अगर हजरत फातिमा की मोहब्बत दिल में है यकीन जन्नत में जाएंगे, ईमान पर मरेंगे और जन्नत में जाएंगे। बीबी फातिमा की मोहब्बत काम आएगी, जरूर काम आएगी खुदा की। और अगर आपके दिल में मोहब्बत फातिमा नहीं है, हुजूर फरमाते हैं कि जिसके दिल में फातिमा की मोहब्बत है अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में भेजेगा। क्यों? कि फातिमा जन्नत का जन्नत फातिमा का घर है, फातिमा के बाप की जायदाद है, उनका अपना घर है, वो जिसे चाहे जन्नत में बुला लें। यहां जो मोहब्बत करेगा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, वो जन्नत में जाएगा। तो कल रात और आज जो दिन गुजरा, ये हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वफात का दिन, वफात की तारीख। तो कल तो हमने तज़किरा नहीं किया, आज हम तज़किरा कर रहे हैं। और आज की जो भी नेकी हमने की, हजरत खातून महशर, खातून जन्नत, सैयदों की माँ, ये सादात किराम जो है ना, ये सब इनका नाम क्या है? सादात बनी फातिमा, सादात बनी फातिमा। हम क्या हैं? फातिमा के बेटे, जो सैदानी है फातिमा की बेटी है, जो सैयद है फातिमा का बेटा है। तो अब सादात को क्या कहते हैं? सादात बनी फातिमा। तो हम आज हमारी मुकद्दस मोहतरम मुअज्जज माँ को याद कर रहे हैं, और आज हमने जो कुछ भी नेकी की उसका सवाब बहुत खुलूस के साथ, बहुत एहतराम के साथ अपनी मुकद्दस माँ की बारगाह में नज़र कर रहे हैं, और उसके साथ तीन मरतबा दरूद शरीफ, एक मरतबा सूरह फातिहा, तीन मरतबा सूरह इखलास, और तीन मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आली सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आली सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आली सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाललीन आमीन। قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا اوصل ثواب ما قرانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله وباسماءك الحسنى وما فسرنا القران الى روح سيدنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه واله واصحابه وسلم ثم الى ارواح جميع الانبياء والمرسلين والشهداء والصالحين اجمعين خصوصا سيدنا ومولانا العلي مولانا علي كرم الله وجهه ثم الى الامام الحسن وسيدنا امام سيدنا الامام الحسين واهل بيت المصطفى بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم خصوصا الى روح سيدتنا فاطمه الزهراء رضي الله تعالى عنها ثم الى روح سيدنا غوث الثقلين الغوث العظم رضي الله عنه ثم الى روح خواجه معين الدين الاجمعين رضي الله تعالى عنه ثم الى ارواح جميع الصحابه والتابعين وتابعي التابعين وائمه المجتهدين وعلماء هذه الامه واولياء هذه الامه ثم الى روح حضرت النوري وحضرت الفايزي وحضرت الجمالي وحضرت الزهوري ثم الى روح شيخنا حضرت العامر الكليمي خواجہ فخیر نواز رحمت اللہ علیہ ثم الى ارواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الى روح شمس النساء سيدہ شمس النساء ومحمد امیر جان ثم الى روح امي بركه الله امين وابي بركه الله امين ثم الى روح سيدہ ممتاز بیگم و سيدہ
सईद निसा सुम्मा इला रूही, सैयद इब्राहिम हाफिज सैयद कासिम वेलूरी रहमतुल्लाह सुम्मा इला रूही, सैयद रजा अली, सैयद शाली सुम्मा इला रूही, सैयद अब्दुल खादिर है, सैयद इब्राहिम व सैयद गुलाम जीलानी व सैयद इकबाल अहमद सुम्मा इला रूही, जहीर बेग मजहरिल्ला शामिरी बेंगलोरी सुम्मा इला रूही, फिदाई शाह व बुकाई शाह सुम्मा इला रूही, जमील मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सुम्मा इला रूही, सैयद अजमतिल्ला शाह व जमालिल्ला शाह व ताज शाह व कौकब शाह व राजी शाह व जाकिर शाह व मुजाहिद शाह अव्वल व मुजाहिद शाह थानी सुम्मा इला रूही, मुहिब्बी व सदीकी मुहिद्दीन नेल्ली कुप्पम सुम्मा इला रूही, जमील मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اشفي سجاد زهير اللهم اشفي سجاد زهير اللهم اشفي الدكتور سجاد زهير رحيمي شامري اللهم اشفي حنزله وطلحه اللهم اشفي طلحه اللهم اشفي طلحه اللهم اشفي طلحه بجاه سيدنا ومولانا غوث الثقلين الغوث العظم رضي الله تعالى عنه اللهم احفظنا من داعي كورونا فيروس اللهم احفظنا واحفظ جميع المسلمين اللهم احفظ المسلمين اللهم احفظ المسلمين اللهم احفظ المسلمين من داعي كورونا فيروس بجاه سيدنا ومولانا غوث الثقلين الغوث العظم رضي الله تعالى سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.